हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है। दोस्तों आज के वीडियो में 5 नहीं 6 नहीं पूरे 10 रीजनिंग का क्वेश्चन लेके आया हूं, और ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये वीडियो दोस्तों बहुत ही कमाल का होने वाला है। तो पूरे वीडियो दोस्तों तक जरूर देखिएगा दोस्तों इसे सीखने के लिए। और दोस्तों कहना चाहूंगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा कमेंट कर देना, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों शेयर करिएगा, इससे हर एक लोग कुछ नई नई चीज सीख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए दोस्तों आपके लिए पहला क्वेश्चन लेके आए हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? देखिए दोस्तों यहां पे एक फिगर दिया है, और इस फिगर में आपको पूछा गया है कि कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है, तो कैसे फाइंड करोगे, आइए आपको बताता हूं। सबसे पहले क्या करोगे दोस्तों, इस फिगर को दोस्तों दो पार्ट में मैं डिवाइड कर लेता हूं। देखिए इस पार्ट को मैं इस तरह से डिवाइड कर लेता हूं, ठीक है, और ये पार्ट आपको दिखाई दे ही रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या करोगे, नंबर लिखोगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये लिख लिया मैंने। जब भी दोस्तों लास्ट में जो नंबर आएगा उस नंबर में क्या करोगे दोस्तों, मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, तो मतलब इस फिगर के अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, 12 है। अब देखिए इस फिगर की बात करता हूं मैं, तो आप देखोगे दोस्तों यहां पर क्या हुआ है, यहां पर इस तरह से ट्रायंगल हुआ है और बीच में एक लाइन आया है, ठीक है। जब भी ऐसा दिया जाए दोस्तों तो यहां पर 1 लिखना होता है, यहां पर 2 लिखना होता है, तो यहां पर क्या करोगे, 1 + 2 करोगे तो आपको 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर 12 था, यहां पर 3 है, तो इन दोनों को प्लस कर लीजिए तो आपको मिलेगा यहां पर 15। मतलब इस फिगर के अंदर, पूरे फिगर के अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने, 15 है। आप देख सकते हो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। अब दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन, दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन लेके आए दोस्तों, ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो कैसे सॉल्व करोगे। देखिए दोस्तों बहुत ही उम्दा ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा बस खाली। देखिए यहां पर देखोगे दो नंबर सेम दिया हुआ है, फोकस रखिए, देखिए यहां पर दो नंबर सेम दिया है तो क्या हुआ होगा, तो ये हो सकता है कि यहां पर मल्टीप्लाई 1 क्या होगा, तभी तो दोस्तों 4 1 = 4 हुआ है, ठीक है। अब देखो यहां पर 8 दिया है, तो यहां पर क्या करोगे, मल्टीप्लाई 2 करोगे तो यहां पर 8 मिल जाएगा। अब देखिए 24 है, तो 8 में दोस्तों मल्टीप्लाई 3 करोगे तो 24 मिल जाएगा। अब 24 में दोस्तों मल्टीप्लाई 4 करूंगा तो मुझे 96 मिल जाएगा। अब 96 में दोस्तों 5 मल्टीप्लाई करूंगा तो 480 मिल जाएगा। तो यहां पर 1 2 3 4 5 ये मिल गया है। तो ये दोस्तों पैटर्न फॉलो करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे क्योंकि यहां पर 5 है, ठीक है। अब 480 मल्टीप्लाई बाय 6 करूंगा, यहां पर 6 × 0 = 0, यहां पर 6 8 = 48, 8 यहां पर 4, 6 4 = 24 होगा, 24 + 4 कितना होगा, 28 होगा। तो यहां पर आंसर क्या होगा दोस्तों, 2880 आएगा। देखिए दोस्तों ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया, तो यहां पर देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह पर 2880 लगा देते हैं। अब दोस्तों ये भी डाउट होगा कि ये पैटर्न सही में फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो काम कीजिए यहां पर 6 में मल्टीप्लाई किया था, यहां पर मल्टीप्लाई 7 कर दीजिए, तो 2880 मल्टीप्लाई बाय 7 करूंगा तो देखिए यहां पर 0, यहां पर दोस्तों 2016 आ जाएगा, करके देख लीजिए आप। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों हर चीज समझ गए हो आप। तो ये क्वेश्चन दोस्तों अब आपके लिए इजी हो गया है। तो दोस्तों चलिए आपके लिए और एक क्वेश्चन, दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन लेके आए हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं आपके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक लेके आया हूं। देखिए दोस्तों यहां पर दिया हुआ है कि 1 2 3 मींस ब्राइट लिटिल बॉय, तो मैंने यहां पर लिख लिया मैंने। अब देखिए यहां पर 1 4 5 मींस टॉल बिग बॉय, तो यहां पर लिख लिया, और यहां पर 6 3 7 मींस ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर, तो यहां पर लिख लिया है। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है दोस्तों यहां पर लिखा है व्हिच नंबर विल बी देयर फॉर ब्राइट, मतलब ब्राइट के लिए दोस्तों कौन सा नंबर है ये आपको पता करना है। तो कैसे पता कर पाओगे, तो देखिए दोस्तों ये सब में से आपको देखना है कि कॉमन नंबर कहां पर आ रहा है। तो देखोगे यहां पर 1 2 3 1 4 5 6 3 7, तो देखोगे यहां पर 3 और यहां पर 3, यहां पर कॉमन आ रहा है, मतलब सेम सेम हो रहा है। तो आप देखिए इसमें और इसमें से कौन सा वर्ड सेम है, तो आप देखोगे यहां पर लिटिल और लिटिल सेम है, तो मतलब यहां पर क्या होगा, ये नंबर 3 हो जाएगा इसके लिए, इतना क्लियर। अब देखिए फिर से देखिए यहां पर देखिए और यहां पर देखिए, यहां पर 1 और यहां पर 1, मतलब 1 जो है कॉमन आ रहा है। तो आपको देखना होगा कि वर्ड कौन से कॉमन है, तो वर्ड देखोगे आप तो ये बॉय और यहां पर बॉय कॉमन है, तो इसके लिए 1 हो गया। तो ध्यान दीजिए दोस्तों यहां पर 1 2 3 लिखा था, तो ये बॉय देखिए 1 हो गया, लिटिल देखिए 3 हो गया, तो ब्राइट के लिए क्या होगा दोस्तों, 2 होगा। तो यहां पर दोस्तों ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है आप सीख चुके हो। अब दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन, तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन, दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों अच्छे से नहीं रीड करोगे तो मिस्टेक होगा ही होगा, ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना है। तो आप देखोगे यहां पर ये नंबर जो लिखा हुआ है, यहां पर लिखने जा रहा हूं मैं, लेकिन दोस्तों साइन दोस्तों अलग लिखना होगा, क्योंकि यहां पर क्या दिया है कि यहां पर देखोगे तो यहां पर लिखा है माइनस मींस डिवाइड, तो यहां पर माइनस दिया है तो क्या करोगे, यहां पर डिवाइड लिखोगे, ठीक है, तो यहां पर 25 लिख दिया। अब डिवाइड का मतलब क्या है, तो यहां पर देखिए डिवाइड मींस प्लस, तो यहां पर प्लस लिख लेंगे और यहां पर 5 लिख लूंगा। उसके बाद देखोगे प्लस का मतलब क्या है दोस्तों, यहां पर देखोगे प्लस मींस मल्टीप्लाई, तो यहां पर मैं मल्टीप्लाई लिखूंगा और यहां पर 20 लिखूंगा। अब मल्टीप्लाई नंबर कट,
अब मल्टीप्लाई मतलब क्या है, तो यहां पर देखोगे कि मल्टीप्लाई मतलब माइनस दिया है, तो ये मत समझना कि यहां पर प्लस मींस मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई मतलब प्लस होगा, ऐसा नहीं है। अलग अलग टाइप का पूछा गया और दिया गया है, तो आप देखोगे यहां पर, तो यहां पर मल्टीप्लाई दिया था तो मल्टीप्लाई मतलब क्या है माइनस, तो यहां पर माइनस लिख लिया मैंने, और यहां पर थ्री लिखूंगा। प्लस का मतलब क्या है, तो यहां पर देखोगे प्लस मींस मल्टीप्लाई, ठीक है, तो यहां पर दोस्तों प्लस की जगह मल्टीप्लाई लिखूंगा, यहां पर टेन लिखूंगा। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, बॉडमास रूल लगाएंगे, ठीक है, तो एक के बाद एक सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, बॉडमास रूल के अंदर सबसे पहले क्या करते हैं, डिवीजन सॉल्व करते हैं, राइट। तो यहां पर डिवीजन कहां पर देखिए, यहां पर डिवीजन दिया है, तो यहां पर 175 डिवाइडेड बाय 25 है, तो कैसे करोगे, तो 25 6 जा कितना होता है दोस्तों, 150 होता है, और 25 7 जा कितना होगा, 175 होगा, तो 25 7 जा 175, तो यहां पर 7 आ गया, ठीक है। अब यहां पर देखोगे तो ये देखो डी एम ए एस, अब डिवीजन हो गया, अब यहां पर मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहां पर दोस्तों एक काम कीजिए, अच्छे से फिर से लिख दीजिए, क्योंकि दोस्तों कंफ्यूजन यहां पर होगा तो मिस्टेक तो होने वाला ही है। अब क्या करेंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, तो यहां पर देखोगे यहां पर मल्टीप्लाई दिया और यहां पर मल्टीप्लाई दिया है, तो यहां पर 7 लिखूंगा, यहां पर प्लस लिखूंगा, 5 2 जा 10 और ये 0 7 में आ जाएगा तो 100 हो जाएगा, और 10 3 जा 30 तो यहां पर 30 लिखूंगा, यहां पर माइनस, ठीक है, इतना क्लियर। अब देखिए मल्टीप्लाई के बाद यहां पर एडिशन दिया हुआ है, तो यहां पर 100 प्लस 7 कितना होगा दोस्तों, 107 होगा, माइनस 30 होगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर लास्ट में s दिया है, मतलब s मतलब क्या होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, मतलब माइनस होता है, तो 107 माइनस 30 करोगे तो कितना मिलेगा आपको, यहां पर दोस्तों 77 मिल जाएगा, तो ऑप्शन a आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। अब आपके लिए और एक क्वेश्चन, सभी लोग जानते हो दोस्तों कि 10th स्टैंडर्ड का सेशन स्टार्ट हो चुका है और बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज्ड हैं कि मैथ्स की प्रैक्टिस कैसे करें, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारी बुक अवेलेबल है, लेकिन आपके लिए एक बेस्ट बुक लेके आया हूं मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए, ओसवाल का ये बुक दोस्तों। इस बुक के अंदर दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि इस बुक का नाम है क्वेश्चन बैंक, और यहां पर दोस्तों चैप्टर वाइज और कैटेगरी वाइज आपको क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलेगा, मतलब दोस्तों शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू, हर एक चीज दोस्तों इसमें डिटेल मिल जाएंगे आपको। और यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन हर चैप्टर वाइज, मतलब केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन चैप्टर वाइज यहां पर आपको दिया गया है, और यहां पर प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है, और यहां पर एसरेशन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन भी आपको यहां पर मिल जाएंगे। और इस बुक को दोस्तों जो सीबीएसई ने जो लेटेस्ट अपडेट दिया है 31 मार्च 2023 के हिसाब से इस बुक को डिजाइन किया गया है, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए यह बुक मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बुक है। अगर आपको परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाके परचेस कर सकते हो। तो ऑल तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, देखिए दोस्तों जब भी अल्फाबेट टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो अल्फाबेट के पैटर्न को समझने कोशिश कीजिए, अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, अगर समझ में ना आए तभी दोस्तों अल्फाबेट का नंबर लिखना, नहीं तो दोस्तों बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो यहां पर देखोगे तो यहां पर टी है और यहां पर वी है, तो क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, मतलब टी के बाद क्या आता है, यू आता है, यू के बाद क्या आता है, वी आता है, मतलब एक लेटर छोड़कर एक लेटर लिया जा रहा है। यहां पर देखोगे यहां पर ई है, तो ई के बाद क्या हुआ दोस्तों, एफ होगा, तो एफ को छोड़ दिया है और यहां पर जी ले लिया है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों पैटर्न फॉलो हुआ है। तो यहां पर सी है, तो सी के बाद क्या आएगा, डी आएगा, तो डी को छोड़ देना है, क्या लेना है, ई लेना है, तो यहां पर मैं ई ले लेता हूं, ठीक है। अब यहां पर एच दिया है, तो एच के बाद क्या आएगा दोस्तों, आई आएगा, तो आई को छोड़ देंगे, क्या लेंगे, जे ले लेंगे, तो यहां पर लिखता हूं मैं जे लेता हूं, ठीक है। यहां पर आई दिया है, तो आई के बाद जे आता है, जे को छोड़ देंगे, क्या लेंगे, के लेंगे, तो यहां पर मैं के लिखूंगा। और यहां पर एल दिया है, तो एम को छोड़ दीजिए, एन ले लीजिए, तो यहां पर एन ले लेता हूं मैं। डी के बाद दोस्तों ई आता है, ई को छोड़ दीजिए, एफ ले लीजिए, तो यहां पर मैं एफ ले लेता हूं। अब यहां पर आर दिया है, तो आर के बाद क्या आता है दोस्तों, एस आता है, तो इसको छोड़ दीजिए, टी ले लीजिए, तो यहां पर मैं टी ले लेता हूं। अब ई दिया है, तो ई के बाद क्या आएगा दोस्तों, एफ आएगा, तो एफ के बाद क्या आएगा दोस्तों, यहां पर जी आएगा, तो यहां पर लिखूंगा मैं जी लिखूंगा। अब यहां पर एन दिया है, तो यहां पर एन के बाद क्या आएगा दोस्तों, ओ आएगा, ओ के बाद क्या आएगा दोस्तों, पी आएगा, तो यहां पर मैं पी लिख लेता हूं। अब देखिए दोस्तों ई जे के एन एफ टी जी पी कहां पर दिया है, तो ध्यान दोगे दोस्तों यहां पर लास्ट ऑप्शन में दिया है, मतलब ऑप्शन डी आपके लिए राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है। अब दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन, तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन लेके आए दोस्तों, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करो, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों नंबर सीरीज से लिया गया है, और जब भी दोस्तों नंबर सीरीज से क्वेश्चन दिया जाए तो करना क्या होता है दोस्तों, नंबर का डिफरेंस निकालना होता है, जिससे दोस्तों बहुत सारा हिंट आपको मिल जाता है। तो देखोगे दोस्तों यहां पर 10 दिया है, यहां पर 100 दिया है, तो क्या करोगे, यहां पर दोस्तों ये दो नंबर का डिफरेंस निकालोगे, तो डिफरेंस निकालोगे तो यहां पर आपको 90 मिल जाएगा, यहां पर दोस्तों ये दो नंबर का डिफरेंस निकालोगे तो आपको मिलेगा यहां पर 100 मिलेगा, इन दो नंबर का डिफरेंस निकालोगे तो आपको मिलेगा यहां पर 110 मिलेगा। तो क्या हो रहा है यहां पर 90, यहां पर 100 और यहां पर 110 है, तो आगे क्या होगा दोस्तों, आगे ये होगा कि 120 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 310 और यहां पर 120 क्या होगा दोस्तों, इसको प्लस करोगे तो 430 आएगा, ऑप्शन डी आपके लिए राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है। अब दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन, तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन दोस्तों,
ये कोशिश करें सॉल्व करें। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर 20 और यहाँ पर नंबर दिया है, यहाँ पर 11 यहाँ पर नंबर दिया है और 12 का नंबर आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड कर पाओगे, जब भी दोस्तों ऐसा क्वेश्चन दिया जाए ना तो अल्फाबेट और नंबर को कंपेयर कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे यहाँ पर टी दिया है तो यहाँ पर 8 है, फिर से देखिए दोस्तों टी कहाँ पर दिया है तो यहाँ पर टी दिया हुआ है, तो फिर से देखिए यहाँ पर 8 दिया है। समझ में आ रहा है आपको, बहुत ही गजब की चीज है दोस्तों। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखिए टी है तो यहाँ पर टी का क्या करोगे दोस्तों, यहाँ पर 8 लिख लोगे, टी का दोस्तों यहाँ पर नंबर क्या दिया, 8 दिया है, ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर W दिया हुआ है और यहाँ पर देखोगे W का नंबर क्या है, यहाँ पर 6 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर W का नंबर 6 दिया है तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 6 आएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर E दिया हुआ है, यहाँ पर E दिया हुआ है, ठीक है। तो E का नंबर क्या दिया है, 3 दिया है, तो यहाँ पर भी E का नंबर 3 और यहाँ पर भी E दिया है तो यहाँ पर भी 3। तो इतना समझ में आ गया है कि जहाँ पर E दिखाई देगा वहाँ पर क्या करोगे, 3 लिख दोगे, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 3 लिख दोगे। अब यहाँ पर L देखिए, यहाँ पर कहीं L दिया है, हाँ यहाँ पर L दिया है, तो L का नंबर क्या है, 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख दूंगा मैं। V का नंबर क्या है दोस्तों, यहाँ पर 0 है तो 0 लिख दूंगा, और E का नंबर दोस्तों 3 है तो यहाँ पर 3 लिख दूंगा। अब देखिए दोस्तों ये नंबर कौन से ऑप्शन में मैच हो रहा है, अब देखोगे 863203, तो यहाँ पर 863203 ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है और किस तरह सॉल्व करना है ये भी आपने सीख लिया है। तो अब आपके लिए और एक क्वेश्चन, तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन लेके आए दोस्तों, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, लेकिन ध्यान दोगे दोस्तों कुछ आपको हिंट मिल जाएगा। यहाँ पर देखोगे 167 यहाँ पर 14 दिया है तो 143 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है, तो क्या करेंगे। अगर बहुत ज्यादा ध्यान दोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर 1, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 7, इन तीनों को दोस्तों एक दूसरे से प्लस करोगे तो आपको 14 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इन तीनों को प्लस कर देते हैं तो 1 प्लस 4 5 होगा और 5 प्लस 3 8 होगा, तो यहाँ पर 8 लिख लेते हैं और ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है आप सीख चुके हो। अब दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन, तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन लेके आए दोस्तों, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया इफ ए इक्वल टू 1 और यहाँ पर बी एडी बैड इक्वल टू 7 तो एच एडी हैट इक्वल टू क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। दोस्तों ये तो समझ में आ गया है, तो यहाँ पर ए दिया है, यहाँ पर 1 दिया है, मतलब ए जो है उसका नंबर क्या होता है दोस्तों, 1 होता है अल्फाबेट के अंदर, तो यहाँ पर 1 आ गया। तो यहाँ पर बी का नंबर क्या होता है दोस्तों, 2 होता है, और ए का नंबर क्या होगा दोस्तों, 1 होगा, और डी का नंबर क्या होता है दोस्तों, 4 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 दिया है, तो इन तीन नंबर को दोस्तों प्लस करोगे तो 2 + 1 = 3, 3 + 4 कितना होगा, 7 होगा। तो हिंट हमें मिल गया है, तो इसी हिंट से दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे। तो एच का नंबर क्या होता है दोस्तों, 8 होता है, ए का नंबर 1 होता है, और टी का नंबर क्या होता है दोस्तों, 20 होता है, तो यहाँ पर 20 लिख लूंगा मैं। इन तीनों को प्लस करूंगा तो 20 + 1 = 21 होगा, 21 + 8 कितना होगा, 29 होगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आप सीख चुके हो। अब दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन, चलिए दोस्तों आपके लिए आखिरी क्वेश्चन लेके आए दोस्तों, इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। ध्यान दीजिए दोस्तों यहां पर देखोगे जब भी बॉक्स टाइप क्वेश्चन दिया जाए ना तो आपको क्या करना होता है, वर्टिकली सॉल्व करना होता है या फिर दोस्तों हॉरिजॉन्टली सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं कि 9 + 5 कितना होगा, 14 होगा, लेकिन यहां पर 19 दिया हुआ है, तो एक काम करता हूं 9 + 5 = 14 होता है, तो 14 में प्लस 5 कर लेता हूं तो मुझे 19 मिल जाएगा, क्लियर है। तो यहां पर देखूंगा 10 + 7 कितना होगा, 17 होगा, यहां पर 22 दिया हुआ है, तो यहां पर भी अगर प्लस 5 कर लूं मैं तो 22 मिल जाएगा। तो यही पैटर्न दोस्तों यहां पर फॉलो करके आंसर निकाल लेंगे। तो यहां पर देखोगे 11 + 8 कितना होगा, 19 होगा, तो यहां पर क्या करेंगे, प्लस 5 करूंगा मैं तो मुझे क्या मिलेगा दोस्तों, 24 मिल जाएगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने इस वीडियो में सिखाया आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए ये वीडियो कैसा लगा, ये भी लिखकर बताइए, क्योंकि आपका एक लाइक आपका एक कमेंट मुझे इतना मोटिवेट करता है तो आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो में बना सकूं। तो फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।